नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। जी हाँ, जब से मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायतों में कार्यवाहक के रूप में सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी को चार्ज सौंपने का आदेश जारी किया है, तब से सभी जगह सरपंच संघ द्वारा सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में कुरवाई तहसील परिसर में मध्य प्रदेश सरपंच संघ के बैनर तले जनपद पंचायत कुरवाई अध्यक्ष प्रेम नारायण तिवारी, सरपंच संघ अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह दांगी, महामंत्री सत्येंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष महेश दांगी, रणधीर सिंह दांगी के नेतृत्व में सभी पंचायतों के सरपंचों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी गोपाल सिंह वर्मा को सौंपा गया, जिसमें सरपंच के कार्यकाल को चुनाव होने तक बढ़ाने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से सरपंचों ने बताया कि विगत विधानसभा लोकसभा चुनाव होने के कारण आचार संहिता लागू रही, जिससे पंचायतों में काम नहीं हो सका। कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। सरपंच संघ के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि प्रशासक 11-12 तारीख से सरकार प्रशासक बिठा रही सरपंचों की है। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासकों की नियुक्ति ना करके सरपंचों को ही कार्यवाहक सरपंच के रूप में कार्यकाल बढ़ाया जाए। पंचायत चुनाव जनवरी में ड्यू थे, शासन ने पंचायत चुनाव नहीं कराए और नहीं कराए हैं, उसके एवज में सरकार शासन प्रशासक नियुक्त कर रही है। ये गलत है, क्योंकि 1994 में चुनाव हुआ था और 2000 तक बाड़ियाँ चली थी, चुनाव नहीं करा पाई सरकार, लेकिन सरपंच 2000 तक ही चले थे, 6 साल चले थे। तो इस प्रकार अगर चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, चुनाव कराया जाना चाहिए, चुनाव नहीं करा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उन बाड़ियों को चलने देना चाहिए, क्योंकि अगर सरपंच हट जाएंगे तो प्रशासक नियुक्त हो जाएंगे, जनता की प्रतिनिधि हटा के शासन अपनी प्रतिनिधि बढ़ाएगी, अनुचित है।